सत्तरवीं बीपीएससी के मेरे सारे साथियों सभी को मेरा नमस्कार। सत्तरवीं बीपीएससी सिविल सेवा को लेकर बहुत ही बड़ी जानकारी है जो कि मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करने जा रहा हूं। ऐसे में अभी बच्चों लोग के बीच में एक मेजर प्रॉब्लम चल रहा है जो कि है फॉर्म भरने को लेकर। लगातार सर्वर डाउन बताया जा रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं तो फॉर्म भर नहीं पा रहे हैं बच्चे लोग, लगातार सर्वर बिजी है। आखिरकार इसका रीजन क्या है और बच्चे लोग आखिरकार अपना फॉर्म को आसानी से कैसे भर पाएंगे, आज किस वीडियो में सारा जानकारी मिलने वाला है। इसी बीच सत्तरवीं बीपीएससी सिविल सेवा लगातार विवादों में घिरती जा रही है और इसका सबसे बड़ा मेन कारण है जो कि है नॉर्मलाइजेशन। अगर नॉर्मलाइजेशन अप्लाई होता है सत्तरवीं बीपीएससी में तो बच्चे लोग एक बड़ा आंदोलन कर सकते हैं बिहार में, और बच्चे लोग इसके लगातार खिलाफ हैं कि नॉर्मलाइजेशन अप्लाई ना हो। अगर नॉर्मलाइजेशन अप्लाई होता है तो कहीं ना कहीं एक धांधली का बड़ा रूप बन सकता है। नॉर्मलाइजेशन को लेकर आज कोई नया बवाल नहीं चल रहा है, ये बवाल पहले भी चल चुके थे, जिसके बाद कहीं ना कहीं छात्र नेता ये लोग आवाज उठाए थे और ये आवाज सरकार तक गूंजी थी और इसके बाद सरकार एक्शन में आते हुए तुरंत नॉर्मलाइजेशन को हटा दिया था और यही बवाल फिर से एक बार राइज हो रहे हैं, बहुत ही तेजी से राइज हो रहे हैं, जिसके बाद कहीं ना कहीं सारे बच्चे नाराज चल रहे हैं कि अगर आयोग ऐसा करता है तो बड़ा धांधली हो सकता है। और आयोग के मन में एक विचार था, एक सोच था और नॉर्मलाइजेशन अप्लाई करने के पीछे एक राज था, वो राज ये था कि कहीं ना कहीं बच्चे लोग, इस पर बड़ा भर्ती है तो बच्चे लोग 10 लाख क्रॉस कर जाएंगे, फॉर्म भरेंगे 10 लाख से ज्यादा, 11 लाख 12 लाख तक फॉर्म भरे जाएंगे। इसके बाद कहीं ना कहीं दिखाई दिया, बातें सामने आए और आप लोग जैसा कि रिजल्ट देख रहे होंगे कि 10 लाख नहीं क्रॉस हो पाया और इसके बाद फिर से आयोग सोचा कि नहीं, फिर से विचार किया कि नहीं 7 लाख 8 लाख तो पहुंच ही जाएंगे और आप लोग को पता है कि यह भी नहीं पहुंच पाया और लास्ट डेट 4 नवंबर ही है। अब ऐसे में एक दिन टाइम बचा हुआ है और एक दिन में कितना फॉर्म भरे जाएंगे, अभी लगातार सर्वर बिजी बता रहे हैं, बच्चे लोग फॉर्म नहीं भर पा रहे, तो आप लोग समझ सकते हैं कि जो फॉर्म भरने का जो सिलसिला चल रहा था, जो बच्चे अप्लाई कर पाए हैं वो अभी 5 लाख भी क्रॉस नहीं कर पाए, 5 लाख से कम ही कैंडिडेट हैं जो कि फॉर्म को भरे हैं, तो आप लोग समझ सकते हैं। और इसी मैटर को लेकर, नॉर्मलाइजेशन को लेकर बात चल रहे थे कि ज्यादा शिफ्ट में एग्जाम लिए जाएंगे, अब 2 शिफ्ट मिलेंगे क्योंकि एक शिफ्ट में अगर इतना सारा एग्जाम लिए जाएंगे तो कहीं ना कहीं चीटिंग हो सकते हैं, धांधली हो सकते हैं, तो अब तो भाई बच्चे भी कम है, अब 5 लाख भी क्रॉस नहीं कर पाए हैं तो ये एग्जाम एक शिफ्ट में ही कराया जा सकता है, अच्छे से कराया जा सकता है, तो नॉर्मलाइजेशन का बात ही नहीं आता है। अगर फिर भी जबरदस्ती कराते हैं तो कहीं ना कहीं सारे बच्चे आंदोलन करने को लेकर तैयार बैठे हैं और सारे बच्चे नाराज हैं। मेरे साथी जो 17वीं बीपीएससी को लेकर तैयारी कर रहे होंगे, चाहे तो फिर यूपीपीसीएस को लेकर तैयारी कर रहे होंगे, उन सभी को मैं किताब सजेस्ट करना चाहूंगा जो कि है समान ज्ञान का किताब, जो पूजा पब्लिकेशन का है, जो कि पूरे इंडिया में नंबर 1 किताब है समान ज्ञान का। और आप लोगों को जैसा कि पता है कि समान ज्ञान के बिना ये जो एग्जाम है अधूरा है, और इस किताब में खास बात यह है कि इस किताब को सबसे ज्यादा अपडेट किए जाते हैं, ये 2 से 3 मंथ पहले किताब को एक बार फिर से अपडेट किए गए, इसीलिए इस किताब से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट लड़ जाते हैं और इस किताब को पढ़ना बिल्कुल आसान है। आप अपने नजदीकी दुकान में जाकर पता करिएगा, पूजा पब्लिकेशन का किताब समान ज्ञान का तुरंत मिल जाएंगे, अगर वहां पर नहीं मिलते हैं तो आप अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से भी ऑनलाइन मंगवा सकते हैं और अपनी तैयारी को अच्छा खासा मजबूत कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारा कुछ दे रहा हूं जहां से आप लोग जाकर आसानी से इस किताब को परचेस कर सकते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि लगातार छात्र नेता ये लोग आवाज उठा रहे हैं, और जहां तक बात है फॉर्म को लेकर, बच्चे लोग फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, सर्वर बिजी बता रहे हैं, आप लोगों को जैसा कि पता है कि लास्ट दिन कहीं ना कहीं बच्चे लोग ज्यादा फॉर्म भरते हैं, ये लास्ट दिन का वेट करते रहते हैं और ऐसे में लगातार जो सर्वर बिजी बता रहे हैं तो इसको लेकर ज्यादा से ज्यादा आयोग को मेल करें जिससे डेट आगे बढ़ाए जा सकते हैं, चाहे तो फिर वेबसाइट पर अच्छे से काम किए जा सकते हैं और फॉर्म में आप लोग अपने फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं, तो आयोग को मेल करिएगा तो कहीं ना कहीं इसमें जल्द से जल्द सुधार किए जाएंगे और आप लोग का जो फॉर्म है आसानी से भर पाएंगे। और ऐसे में जो 13 दिसंबर को एग्जाम होने वाला है ये भी डेट फिक्स हो गया है, पर यह भी बवाल चल रहे हैं कि 13 दिसंबर को और भी अन्य एग्जाम है, तो कहीं ना कहीं डेट जो है यहां पर क्लैश कर रहे हैं। अगर डेट क्लैश करते हैं तो भैया बहुत सारे हैं, अब बीपीएससी का एग्जाम दे या फिर दूसरा एग्जाम दे, एक एक बच्चे कहीं ना कहीं नौकरी के चक्कर में दो दो जगह तीन तीन जगह फॉर्म भरते हैं, तो यह चीज को भी लेकर बवाल चल रहा है कि कहीं ना कहीं डेट आगे पीछे भी किया जाए, डेट को एक्सटेंड कर दिया जाए, तो यह भी बच्चे लोग मांग कर रहे हैं। देखते आगे क्या कुछ होते हैं, आयोग का क्या कुछ रवैया रहता है इसको लेकर, और आप लोग जितने भी मेरे साथी हैं आवाज उठाए रहे, आवाज उठाते रहे और लगातार ट्विटर के माध्यम से आप लोग ये बात आयोग तक पहुंचाने का कोशिश करिए डेट एक्सटेंड को लेकर। मुझे तो नहीं लगता है कि बीपीएससी मानेगा, पर फिर भी ये कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा है, बड़ा बात है कि 2 डेट 3 डेट अगर आपस में क्लैश करेंगे तो बच्चे लोग कौन सा एग्जाम देंगे, तो अगर डेट आगे पीछे हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक बड़ा बेनिफिट मिल सकता है सारे बच्चे की, सारे एग्जाम में बैठ सकते हैं, तो इसको लेकर लगातार आप लोग आवाज उठाइएगा ट्विटर कैंपेन के जरिए या फिर ट्विटर के जरिए बात पहुंचाने का कोशिश करिएगा। और नॉर्मलाइजेशन को लेकर लगातार बच्चे लोग आवाज उठा रहे हैं, आवाज बुलंद करिएगा इस चैनल के माध्यम से, मैं सपोर्ट करने का पूरा पूरा कोशिश करूंगा। मेरे जितने भी साथी हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जुड़े रहें और जो इन्फॉर्मेशन है मैं आप लोगों के साथ सारा चीज शेयर करता रहूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।